अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो URPay का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और वो अपना पासवर्ड ही भूल गए हैं और उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से जो है अपना पासवर्ड को रिकवर करना है। तो इस वीडियो में बने रहें, मैं इस वीडियो में आपको फुल तरीके से बताऊँ कैसे जो आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं यानी कि रिसेट कर सकते हैं अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कैसे हम लोग अपना URPay का पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो या फॉरगेट हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है URPay के एप्लीकेशन में। तो ये मैंने अपने URPay का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, मैं भूला नहीं हूँ लेकिन आपको सिखाने के लिए आपको बताने के लिए मैं फॉरगेट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो है आपसे आपका पासकोड मांग रहा है, तो क्योंकि हम लोग पासकोड भूल चुके हैं तो अभी क्या करना है कि यहाँ पर जो है रिसेट पासकोड का ऑप्शन दिखता होगा, सिंपली क्या करना है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा जिस नंबर से आपने URPay बनाया, तो देखिए यहाँ पे आ गया है। सिंपली क्या करना, अलाउ कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपसे एक चीज़ मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना, अपना डेट ऑफ बर्थ जो है जो आपके अकाउंट पे है उसे यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, डे डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर डे लिखे हुए DD लिखे हुए यानी डे डालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डे डाल देता हूँ। अब डे डालने के बाद उसके बाद आपको मंथ डालना है, तो चलिए मंथ भी डाल देता हूँ। अब उसके बाद फिर आपको ईयर डालना है, तो चलिए ईयर भी डाल देता हूँ। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन है, सिंपली क्या करना, नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट के बटन पर भी क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है पासकोड इंटर न्यू पासकोड, तो अब आपको यहाँ पे जो है 4 डिजिट का कोई भी पासकोड यहाँ पे बना लें। चलिए मैं बना लेता हूँ। अब बनाने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से बोला कंफर्म न्यू पासकोड, जो आपने पहले डाला था थोड़ी देर पहले उसे यहाँ पे फिर से दोबारा आपको फिल कर लेना। तो चलिए वही सेम पासकोड यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं योर न्यू पासकोड मस्ट बी डिफरेंट बिफोर, तो ये कह रहा है कि अभी जो है जो मेरा पहले पासवर्ड था उसे आप नहीं रख सकते हैं, दूसरा रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड पूरी तरीके से चेंज भी हो गया और यहाँ पे प्रोसेस सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन भी हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पासवर्ड चेंज भी हो गया और लॉग इन भी हो गया है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर रीसेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से भूल जाएँ तो भी रीसेट कर सकते हैं, और अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको चेंज भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप बड़ी आसानी से अपना पासवर्ड को इस वीडियो को देख करके आसानी से रीसेट कर सकते हैं, अपना ही नहीं किसी भी अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली किसी का भी जो है पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लेता है, इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।